अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज़ और मैं हूं ताहा अली। खबर शामिल करते हैं रत्तर डेरे से, जहां सेप्को की जानिब से लाड़कला डिवीजन के 12 मुलाजमों की जबरी बरतरफी के खिलाफ वापडा पावर इलेक्ट्रिक हाइड्रो यूनियन रत्तर डेरे की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा मुजफ्फर अली गुजार से। जी मुजफ्फर अली, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं। जी जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ वापडा इलेक्ट्रिक हाइड्रो यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, आए मजीद उनसे बात करते हैं। जी तो ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की तरफा तमाम मीडिया वालों जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इंतहा मशहूर ममनून आई जिनके तावन से असो ये आवाज है बाला एवान तक पुजे तो अभी कोशिश कर रहा हूँ तो इत जो ज्यादियों या जी भी किस्म जो मुश्किल वो असो सीवीए यूनियन जो प्रोसीजर हों प्रोसीजर मुताबिक असें एसी से मीटिंग कर सीओ से मीटिंग कर तो इतने जितरा भी मसायल उ जल्द अज जल्द हल क्या वन बाकी हिं जैसे मानू असा निकता वा कढ़िया वा तो अस भी कें न कें नतीजे से पुजलासे अस नतीजो इो ही हों जी अज टो ढी है इतने जो कम सस्पेंड लगो पे इन अस मुमकिन है तो असि दायरे के अजा वसी क्यों असो बू सब सबिजनू डिविजनू भी आज रीजन भी है मां रीजनल चेयरमैन से हाँ मुलाकात कदम वही उन सारी सूरत हाल के आगाही दई इंशाल्लाह इन को ना को फैसलो कदे तो नौकरी में निकली वन प्रोसीजर हूँ लीगल उ प्रोसीजर अस एडॉप्ट कर चुका हूँ जिनमें असो अपीलू जी उ इंशाल्लाह जमा थी वी हेयरिंग कराइंदे हेयरिंग कराने को इंशाल्लाह यूनियन में मुख्य क्यादत में मैनेजमेंट में भी उम्मीद है तो वह मैनेजमेंट असा इन सूरत हाल में इंसाफ कंदी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ही जितरा भी मानू असा इतों निकता उन्होंने अस बहाल कराइंदे जो मजीद मुश्किल उन्होंने आसानी पैदा करने अस किरदार अदा कंदी यूनियन जो यूनियन जो फर्ज है यूनियन पो फर्ज निभाई अचे थी ट्योटी कोठी अस भी इन मुसलसिल जिदोजहद में आऊँ तो कें नमूने से ही अस छोकरा जो या जो निकली वन या जिनके सजाऊ आई हूं ये कें नमूने से लीगल प्रोसीजर से जैसे असि गव मैनेजमेंट जैसे उनके असा कें भी किस्म जो जैसे ताउन न कंदी तो अस लीगल फिटिंग्स आन अस जैमें जुडिशरी है उन जुडिशरी के भी अस रुजू कदे इनशा जहाँ नज़्म ज़ब्त है बधी है एक है इंशाल्लाह यो रंग जरूर लाइंदो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब बहाल कराइंदासीं ताजी वरी मेहरबानी। नाज़रीन जिए तो मां साईं निज़ामानी साहब जन के कल को वठी फोनियूं कंदो रहियो आ खसीस पटे वालो आया मां पो भी मुझे दिल में एतरी भाह आ त यो ज़ुल्म थियो आ असा जा कल छह मुलाज़िम जेके आहिनि उन्हनि ते ज़ुल्म कयो वियो आ पेरे असाजा टे मुलाजिम कढ़िया वन बकाया मुलाजिम केतरा कढ़ा वन असि डिवीजन में उहा मुखे खबर ना है। बाकी मां पांजे साईं निज़ामानी अब्दुल लतीफ़ साहब के चवां तो बराए मेहरबानी जे हेड्रो हलायण चाहियो था त असांजी मदद कई वञे। साईं निसार शेख साहब के चवां तो जे हेड्रो यूनियन में वेहण चाहियो था त असांजी मदद कई वञे रतो देरो स्टाफ के सपोर्ट दिनी वञे। अब्दुल्ला साहब मुझो नंबर एंगेज ते भी रखो था मुझो नंबर ता खड़ो भी नथा जे खड़ो ता त डटा जो ता पूजी जो ता कल खो ट्रियो डी खो ता सा राफ्तो कंदा रहया हूं एकड़ो इंजीनियर आ हमारे अब्दुल लतीफ निजामानी साहब और खुर्शीद अहमद साहब और निसार शेख साहब और अब्दुल्ला सुमरो साहब से पुरजोर अपील है कि हमारे जो बंदे कंपलसरी रिटायर हुए उनको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाए। हमारा ये धरना जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हमारे हमारा धरना रहेगा। अच्छा ये आपका धरना किसके खिलाफ है और मुलाजिम किसने हमारा धरना मैनेजमेंट के खिलाफ है जो हमारे हमारे मुलाजमों ऊपर बिला वजह एक्शन ले रहे हैं लो पेड मुलाजमों के खिलाफ उनके खिलाफ है। जी नाज़रीन जबरी तौर पर रिटायर किए गए मुलाजिमों के हक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के जो अहदेदार हैं और आज तीसरी रोज़ भी धरने पे बैठे हुए हैं उन्होंने मुतालबा किया कि आला हुकाम इस मामले का नोटिस लें और जो बिला जवाज़ बरतरफ मुलाजिम किए गए हैं रिटायर किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और हमारा जब तक वो मुलाजमन बहाल नहीं होते हमारा एहतजाजी मुजाहरा जारी रहेगा।
कैमरामैन खादिम हुसैन जलवानी के साथ मुजफ्फर अली बोजार, HNN न्यूज़, रतोड़।